मैं जुगल किशोर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, और जिस तरह 2017 में छल से, कपट से, कुचक्र बनाकर गरीबों का, मजलूमों का, दलित, अकलियत, पिछड़ों का वोट हासिल करने का काम किया था, आज पूरा प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और आज 2022 में प्रदेश की जनता जितनी जल्दी चाहती है इस सरकार से मुक्ति चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। हम लोग पूरे प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पहला चरण हुआ था, सहारनपुर, सहारनपुर से गाज़ियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, नोएडा और रामपुर होते हुए बाराबंकी, अयोध्या, प्रदेश के हर जनपदों में हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए अपील करते हुए आ रहे हैं। और जनता ने जिस तरह का विश्वास जताया है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी में, कि आज वो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि हमारे नेता आए हमारे उत्तर प्रदेश को इस दहशतगर्दी से। ये जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने भाई में भाई खाई बना दी है, उसको ख़त्म करने के लिए जनता अखिलेश यादव जी का इंतज़ार कर रही है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश की जनता से वादे किए हैं, जो विश्वास जताया है कि गरीबों का उनका हक मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल मार्च तक केवल वोट के लिए खाद्यान्न फ्री देने की बात कही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5ों साल गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा, और हर घरेलू बिजली वाले को 300 बिजली यूनिट फ्री मिलेगी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग कल से गाजीपुर, बलिया जनपद में हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव भाई हैदर अली जी, हमारे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष भाई जयवीर यादव जी, लगातार रसला, फेफना और अब जहूराबाद में इस समय बैठे हुए हैं, लोगों के बीच में आए हैं। लोग इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं, वो लोग आने वाली 7 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें।